मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमावत लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सीईटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2021 उसके लिए फॉर्म आपका रिलीज हो चुका है। एंड ऑनलाइन फॉर्म का मोड क्या है, ऑनलाइन मोड है। एंड आपका फॉर्म 8 नवंबर 2021 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। एंड लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने का 8 दिसंबर 2021। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एग्जाम डेट क्या रहने वाला है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। एक सुपर 60 बैच है, उसमें 10 सीट्स रिमेनिंग है, जिसका चार्ज आपका 10,000 रुपीज टिल एग्जाम। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आप वहां पे क्लास ले सकते हो। पर डे 6 आवर्स का क्लासेस है, वीक में 2 डेज आपका पेपर है, एंड डेली आपको होमवर्क मिलेगा। क्लियर। एंड इसके अलावा आपको पता होगा जो लास्ट का रिजल्ट है, मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। 46 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कॉल लक्ष्य एकेडमी से एंड 92 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। हमारा कांटेक्ट नंबर 9636961534 एंड कुछ सीट्स रिमेनिंग उसमें। तो जो भी स्टूडेंट अपने आपको एनरोल करना चाहता है जल्द से जल्द कर सकता है। इसके अलावा बात करते हैं जो आरएमएस सीटी 2021 है उसके जो एग्जाम डेट है क्या रहने वाला है। तो आपने प्रोस्पेक्टस आपको मिल गया होगा, एंड जिसको भी जो फॉर्म फिलअप करना है उसका लिंक अगर नहीं मिल पा रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से लिंक ले सकता है। एंड जो न्यू है वो ज्वाइन भी हो सकते हैं, वहां पे आपको बहुत से अपडेट मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं जो एग्जाम डेट क्या रहने वाला है। सबसे पहले देखो यहाँ पे यस, एंड आप मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लियर। तो मिलिट्री स्कूल का प्रोस्पेक्टस आपको अच्छे से रीड करना, उसमें क्या क्या दे रखा है, एम क्या है, वहां पे जाने के बाद क्या होगा, फॉर्म कैसे फिलअप करना, कंप्लीट डिटेल इसमें दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री स्कूल जो आपका प्रोस्पेक्टस दे रखा है आर्मी सीरीज 2021। एंड सबसे पहले आपको पता है, जैसे आपको दिख रहा होगा जो मिलिट्री स्कूल से कहा है, तो आपका हिमाचल प्रदेश आरएमएस चेल शिमला, क्लियर। जो हिमाचल प्रदेश में एक आपका दो मिलिट्री स्कूल आपके आरएमएस अजमेर राजस्थान में एंड आरएमएस धौलपुर, मींस राजस्थान में दो मिलिट्री स्कूल है, मिलिट्री स्कूल अजमेर एंड मिलिट्री स्कूल धौलपुर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, दो मिलिट्री स्कूल आपके कर्नाटक में है, मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु एंड मिलिट्री स्कूल बेलगांव। तो सबसे अच्छी बात यह है कि 8% सभी मिलिट्री स्कूल में लक्ष्य अकेडमी के स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। एंड इस बार तो हर मिलिट्री स्कूल में 10 से 12 स्टूडेंट गए हैं, खासतौर से मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु में 10 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कॉल है, क्लियर। एंड 9th क्लास का 9 स्टूडेंट का इंटरव्यू कॉल है, 6th क्लास के 36 स्टूडेंट का इंटरव्यू कॉल है, जो बहुत बड़ी बात है, क्लियर। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, यस, इसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है इंट्रोडक्शन दे रखा है जो मिलिट्री स्कूल के बारे में दे रखा है, जो भी है एम दे रखा है मिलिट्री स्कूल का, एम केयर टू इंपार्ट क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रिपेयर द कैडेट टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे हम एग्जाम डेट की बात करेंगे, जो यहाँ पे आपको दे रखा है डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 एंड क्लास 9 8 नवंबर 2021 टू 8 दिसंबर 2021 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एंड इन्होंने जो एग्जाम डेट दिया है वो यहाँ पे फिक्स नहीं है, बट इन्होंने एक एक्सेप्टेड एग्जाम डेट दिया है कि लगभग इस डेट तक एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा 23 जनवरी, क्लियर। इस दिन आपका भाग्य का फैसला होगा 23 जनवरी 2022। टेंटेटिव मींस इसमें चेंज भी हो सकता है कोरोना वापस थोड़े पंख फैला ले, या फिर कोई रीजन हो तो आगे पीछे हो सकता है, पीछे नहीं होगा आगे ही हो सकता है, ठीक है। तो मींस आपका 23 जनवरी तक तो आपका एग्जाम नहीं होगा, जो 23 जनवरी है उसके बाद ही एग्जाम होगा, या 23 जनवरी जो इन्होंने डेट दिया इसको एग्जाम होगा। तो जो भी कैंडिडेट सुपर 60 बैच या जो भी बैच ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है, आपके पास काफी टाइम है, बट टाइम ऐसे अगर आप ऐसे सोचते रहो टाइम निकलता रहेगा, करना है तो करना है, क्लियर। तो जितना जल्दी उतना जल्दी आपको ज्वाइन करना है एंड उसका प्रॉफिट मींस फायदा उठाना है, एंड हमारा 100% देंगे, आपको भी अपना 100% देना है। तो एग्जाम डेट आपका 23 जनवरी 2022 लगभग इसको आपका एग्जाम हो जाएगा। एंड इसमें टेंटेटिव दे रखा है कि मींस इसमें हो सकता है कुछ आगे भी डेट को एक्सटेंड कर दे, जो भी है कुछ हो सकता है, बट 23 जैन तक आपका एग्जाम नहीं होगा, क्लियर। या फिर 23 जैन जो इन्होंने फिक्स कर रखा है इसी को एग्जाम हो सकता है, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस बारे में, कुछ फॉर्म के बारे में बताया तो इस बार जो सबसे अच्छी चीज है, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको क्या करना है, इतने कोई भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, फोटो एंड सिग्नेचर से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका फोटो एंड सिग्नेचर से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा।
बात करते हैं, यहाँ पे दे रखा आपको फॉर्म फिलअप करने की, एप्लीकेंट फॉर्म नंबर जो भी है आपका एप्लीकेंट फॉर्म नंबर यहाँ पे आ जाएगा, जो फॉर्म फिलअप करोगे तब आएगा। बट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स ओनली, कोई डॉक्यूमेंट नीचे बने, आपका फोटो एंड सिग्नेचर से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। पहले से आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता था, सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए होता था, बट ये चीज अब आपको नहीं चाहिए होगी। क्लियर, आप ओनली फोटो एंड सिग्नेचर से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखा क्लास क्लास सिक्स के लिए फिलअप करना, क्लास सिक्स हो गया, नेम कंटेंट नेम जो आपको डॉक्यूमेंट्स में नेम है वही आपको फिलअप करना है। क्लियर, वो एक बार आपको अच्छे से करना है। एंड आपका मदर्स नेम हो गया, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, एंड आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़े, एंड ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है, वही ईमेल आईडी जो वैलिड ईमेल आईडी वो मेंशन करना है। क्लियर, नेक्स्ट आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि सबसे बड़ी चीज कोई भी नोटिफिकेशन होगा आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर पे आपके पास टेक्स्ट मैसेज आएगा कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो मोबाइल नंबर जो आपका एक परमानेंट मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रेस वगैरह, आपको यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह डालना है, एंड इसके बाद डिफेंस सिविलियन आपको यहाँ पे कैटेगरी डालना है। बट अगर आप डिफेंस में तो आपको डिफेंस सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, इतना कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, ओनली फोटो एंड सिग्नेचर से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये डिटेल्स वगैरह होगी, सेंटर चूज, आप सेंटर ले सकते हो जो भी है अपनी इच्छा से, आप सेंटर ले सकते हो जो भी है। एनएक्स चूज सैनिक स्कूल, तो आप फर्स्ट नंबर पे कोई भी सैनिक, सॉरी फर्स्ट नंबर पे आप कोई भी मिलिट्री स्कूल ले सकते हो। फाइव मिलिट्री स्कूल से आपको इस सीक्वेंस में चूज करना है कि फर्स्ट पे मेरे को बेंगलोर चाहिए, सेकंड में बेलगाम, थर्ड पे अजमेर, फोर्थ पे चेल, एंड फिफ्थ पे धौलपुर, जो भी आपको चूज करना आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखेंगे आपका कोई भी अगर बर्दर वगैरह मिलिट्री स्कूल में स्टडी कर रहा तो आपको यहाँ पे राइट करना है यस, नहीं कर रहा तो नो, एंड यस तो फिर आपको उसका रियल बर्दर एडमिशन नंबर भी आपको बताना है, रियल बर्दर आपको नेम भी बताना है, कौन सी क्लास में वो भी आपको बताना है। बाकी ओमर शीट आ गई, ओमर शीट की बाद में बात करेंगे, जब आपका एग्जाम नियर बाय रहेगा उस टाइम ओमर शीट के बारे में लाएंगे वीडियो कि ओमर शीट कैसे फिलअप करनी है। बाकी देखो यहाँ पे क्या डाला गया, ओनली एक तो इसका पासवर्ड साइज फोटो, एक इसका सिग्नेचर, ओनली दो ही चीजों से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, आपको बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए बेटे। क्लियर, तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, फोटो एंड सिग्नेचर है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एंड सभी को लक्ष्य अकेडमी कोर्स बेस्ट ऑफ लक। के लिए बेटे कोई भी क्यूरी हो सैनिक स्कूल में लिखती स्कूल आ रही है, आप हमें कॉल कर सकते हो 9636961534 पे आप कॉल कर सकते हो। ओके बेटे, बाय बाय।